I am Faisal Khan and you are watching my YouTube channel Faisal Khan Dental Studio. हम स्टार्ट करते हैं टुतमार फालूजी। मैं चाहता हूँ कि हम डिटेल से डिस्कस कर ले द बेसिक्स ऑफ टुतमार फालूजी, क्योंकि जब तक बेसिक्स का नहीं पता तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे इंडिविजुअल टुत को कि इंडिविजुअल टुत की क्या मार्फालोजी होती है। सो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ टुतमार फालूजी। स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ टुतमार फालूजी, बट बेसिक्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्च क्या चीज़ है। बेसिकली टीथ अरेंज होते हैं अपर आर्च में एंड लोअर आर्च में। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास अपर आर्च है, ये लोअर आर्च है। अपर आर्च को हम मैक्सिलरी आर्च भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एल्वुलर प्रोसेस है दिस इज़ द पार्ट ऑफ द मैक्सिला। एंड लोअर आर्च को हम मैंडिबुलर प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मैंडिबल में आता है। सो ये आर्च हो गया। अगर हम एक इमेजनरी लाइन पास कर दें, इमेजनरी लाइन बिल्कुल दो बिल्कुल सेंटर में से, या आप इस मॉडल में आप देख ले, अगर हम एक इमेजनरी लाइन यहाँ से ड्रा कर ले तो ये इस आर्च को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक आर्च दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है या दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। एक को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, मैक्सिलरी राइट क्वाड्रेंट, मैक्सिलरी लेफ्ट क्वाड्रेंट, इस तरह भी कह सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि अपर राइट क्वाड्रेंट एंड अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, इस तरह सेम मैंडिबुलर राइट क्वाड्रेंट एंड मैंडिबुलर लेफ्ट क्वाड्रेंट। आप ये भी कह सकते हैं कि लोअर राइट क्वाड्रेंट एंड लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। तो ये था आर्च और क्वाड्रेंट। फिर अगर हम व्यूअर लुक्स को देख ले या व्यूअर पर्सपेक्टिव से देख ले, अगर फॉर एग्जांपल ये आप है और आपको कोई और देख रहा है, तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से सुने। अगर आप ये आप है और आपको कोई देख रहा है तो व्यूअर पर्सपेक्टिव यहाँ पर रिवर्स होगी, जो जो एनाटॉमिकल डायरेक्शंस है वो रिवर्स होगी। आपका जो राइट होगा वो व्यूअर का लेफ्ट होगा, एंड व्यूअर का जो लेफ्ट होगा वो आपका राइट होगा। सिंपल अल्फाज में अगर मैं डिस्क्राइब कर दूँ, अगर आपके सामने पेशेंट आता है और पेशेंट का जो राइट होगा वो आपका लेफ्ट हो जाएगा, एंड पेशेंट का जो लेफ्ट होगा वो आपका राइट हो जाएगा। सेम लाइक ये इसी तरह रिवर्स है। फिर एक वर्ड यूज़ होता है अक्लूजन। अक्लूजन क्या चीज़ है? अक्लूजन बेसिकली द मैनर इन विच द मैंडिबुलर टीथ कॉन्टेक्ट द मैक्सिलरी टीथ, कि किस तरह मैंडिबुलर टीथ मैक्सिलरी टीथ के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं, इसी मैनर को हम अक्लूजन कहते हैं। मैस्टिकेशन भी एक वर्ड यूज़ होता है डेंटिस्ट्री में, एंड मैस्टिकेशन इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ बाइटिंग आर चीविंग ऑफ फूड। जो फूड हम चीव करते हैं या उसकी बाइटिंग करते हैं तो उसको हम मैस्टिकेशन कहते हैं। अच्छा, ये तो थोड़े से बेसिक्स हमने डिस्कस कर दिए, अब आते हैं डेंटिशन की तरफ। ये आर्च रिलेटेड हमने डिस्कस किया, आर्च क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, और उसकी व्यू और पर्सपेक्टिव भी हमने डिस्कस की। और फिर उसी आर्च में एक एक्लूजन डेवलप होता है, कोई एक्लूजन क्या होता है, एंड फिर उसी ज़रिए हम मास्टिकेशन करते हैं, मास्टिकेशन क्या होता है, तो हमने डिस्कस कर दिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटिशन की तरफ आते हैं। तो इंसान की लाइफ में तीन फेजेस आते हैं डेंटिशन के। सबसे पहले होता है डिसिडुअस टीथ, डिसिडुअस डेंटिशन। ये डिसिडुअस डेंटिशन जो होते हैं ना, ये इरप्ट होते हैं इनटू द माउथ अबाउट 6 मंथ टू 2 ईयर्स। इसका जो ड्यूरेशन होता है, 6 मंथ में सबसे पहला टूथ इरप्ट होता है, एंड अब ये लास्ट होता है अप टू 2 ईयर्स तक ये फेज होता है। एंड जो डिसिडुअस टीथ है, हमारे पास टोटल 20 इन नंबर होते हैं, या टोटल 20 टीथ इन द माउथ प्रेजेंट होते हैं। एंड इसको अदर नेम्स भी हम कह सकते हैं, इसको मिल्की टीथ भी कहते हैं, इसको बेबी टीथ भी कहते हैं, इसको टेम्प्रेरी टीथ भी कहते हैं, तीन चार नेम उसको कह सकते हैं। अच्छा, फिर आता है परमानेंट डेंटिशन। सो परमानेंट डेंटिशन ये टोटल 32 इन नंबर होते हैं, एंड
इसको आप सेकेंडरी टीथ भी कह सकते हैं और एडल्ट टीथ भी कह सकते हैं। एंड इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 ईयर से लेकर 21 ईयर्स तक इसका फेज होता है। मीन्स कि आपके पास जो परमानेंट फर्स्ट टूथ एरप्ट होता है वो 6 ईयर एज में होता है, एंड अप टू 21 एंड अप टू 25 28 ईयर्स तक भी इसमें वेरिएशंस, लास्ट जो थर्ड मोलर है उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। बट ये मोस्टली मेजॉरिटी बुक सजेस्ट करते हैं कि 21 ईयर्स टू 25 ईयर्स तक उसका लास्ट एज होता है, वहाँ तक ये फेज़ होता है परमानेंट डेंटिशन का फेज़। और फिर इस दो फेजेस के दरमियान जो डिसिडवस डेंटिशन है एंड परमानेंट डेंटिशन है, इसके दरमियान एक ट्रांजिशन फेज़ होता है, वो उस ट्रांजिशन फेज़ को हम मिक्स डेंटिशन पीरियड कहते हैं। एंड ये मिक्स डेंटिशन पीरियड स्टार्ट होता है फ्राम 6 ईयर टू 12 ईयर्स। हमने कहा ना कि जब फर्स्ट परमानेंट टूथ आता है ओरल कैविटी में तो वो 6 ईयर के एज में आता है, तो 6 ईयर के एज में हमारे पास मिक्स डेंटिशन पीरियड स्टार्ट होता हो जाता है बाय द एरप्शन ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर। एंड ये अबाउट 12 ईयर एज तक होता है, क्योंकि 12 ईयर एज में आपके पास सारे के सारे जितनी भी डिसिडवस टीथ हैं उसकी एक्सफोलिएशन हो जाती है, तो आपके ओरल कैविटी में फिर कोई डिसिडवस टूथ नहीं रहता, तो वो मिक्स डेंटिशन पीरियड कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट डेंटिशन पीरियड में। और वो वही फेज़ होता है आफ्टर 12 ईयर्स कि आपके पास ओरल कैविटी में सिर्फ और सिर्फ परमानेंट टीथ होते हैं। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटिशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ की तरफ आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ टीथ है। इसमें सबसे पहले आता है इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर मोलर, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। अच्छा, ये जो बिल्कुल आप देखते हैं ना, हम एक क्वाड्रेंट को लेते हैं क्योंकि हम पूरे आर्च को डिस्कस नहीं करते। हम एक क्वाड्रेंट को लेते हैं, इस क्वाड्रेंट को मैं लेता हूँ और इसी क्वाड्रेंट में से मैं डिफरेंट टीथ को डिस्कस करता हूँ। इंसाइजर्स, ये फर्स्ट टू, ये मिड लाइन है, यहाँ पर ये मिड लाइन है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टू टीथ, इसको हम इंसाइजर कहते हैं। एंड इंसाइजर आर टू इन नंबर इन ईच क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो क्लोजेस्ट टू द मिड लाइन है उसको आप सेंट्रल इंसाइजर कहते हैं एंड अनदर वन को आप लेटरल इंसाइजर कहते हैं। इस तरह दूसरे क्वाड्रेंट में भी सेंट्रल एंड लेटर, लोअर में भी सेंट्रल लेटर, सेंट्रल लेटरल, इस तरह इंसाइजर होते हैं। इंसाइजर का जो मेन फंक्शन है वो है कटिंग, बाइटिंग एंड शियरिंग। इसका ये फंक्शन है, तीन फंक्शन है उसकी, कटिंग, बाइटिंग एंड शियरिंग। एंड टोटल 4 परमानेंट इंसाइजर्स होते हैं पर आर्च। अगर आप एक आर्च को ले लें तो हमारे पास 2 सेंट्रल इंसाइजर, 2 लेटरल इंसाइजर्स होते हैं। अगर एक क्वाड्रेंट में देख लें तो उसमें से एक सेंट्रल एक लेटरल, 2 इंसाइजर होते हैं। एक आर्च में 4 होते हैं। एंड ओरल डेंटिशन में आप कह सकते हैं माउथ में हमारे पास 8 इंसाइजर्स होते हैं टोटल। अच्छा, फिर आ जाते हैं इसके साथ थर्ड नंबर टूथ पे, जो मिड लाइन से थर्ड नंबर टूथ है, क्योंकि फर्स्ट टू तो हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर एंड लेटरल इंसाइजर आ गया। थर्ड नंबर पे है कैनाइन, एंड इसका भी जो फंक्शन है वो सेम लाइक इंसाइजर्स है, कटिंग, टियरिंग, पियर्सिंग, होल्डिंग, क्योंकि आप किसी चीज़ को गल होल्ड करते हैं तो उस पर कैनाइन का फोर्स आता है। सो कैनाइन के ये 3-4 फंक्शन है। एंड कैनाइन पर आर्च 2 होते हैं, एक क्वाड्रेंट में एक ही कैनाइन होता है, एक आर्च में 2 होते हैं। इन ओवरऑल माउथ में एंड ओवरऑल डेंटिशन में हमारे पास 4 कैनाइन होते हैं। अच्छा, फिर आते हैं प्रीमोलर्स की तरफ। यहाँ तक कैनाइन डिस्कस हो गए, अब आते हैं प्रीमोलर्स की तरफ। प्रीमोलर्स आर द 4th एंड 5th टीथ फ्रॉम द मिड लाइन एंड इट्स टर्म्स एज फर्स्ट प्रीमोलर एंड सेकंड प्रीमोलर। जो क्लोजेस्ट होगा टू द कैनाइन आर मिड लाइन, उसको हम फर्स्ट प्रीमोलर कहते हैं, अनदर वन को हम सेकंड प्रीमोलर कहते हैं। इसको हम बाइकस्पिड टूथ भी कहते हैं क्योंकि इसके 2 कस्प होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 1 2, ये जो एलिवेटेड एरिया है इसको हम कस्प कहते हैं, इसको हम कस्प कहते हैं। एंड इसका जो फंक्शन है प्रीमोलर का वो है टियरिंग, होल्डिंग
एंड ग्राइंडिंग, क्योंकि पोस्टीरियर टीथ में आते हैं तो उस पर हम मेजोरिटी ग्राइंडिंग भी करते हैं। एंड टोटल टू इन ईच क्वाड्रेंट, फोर इन ईच आर्च एंड ओवरऑल 8 प्रीमोलर्स आर प्रेजेंट इन दी ओरल कैविटी। फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं मोलर्स की तरफ, ये दो, 1 2 ये दो। अच्छा, मोलर्स आर दी 6, 7 एंड 8 टूथ फ्रॉम द मिड लाइन। 8 नंबर यहाँ पर क्योंकि अभी इस इन्होंने नहीं बनाया, थर्ड मोलर हमारे पास होता है जिसको हम विजडम टूथ भी कहते हैं, एंड इसको आप कहते हैं फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। एंड इसको आप ये भी कह सकते हैं कि 6 ईयर मोलर, 12 ईयर मोलर एंड विजडम मोलर। 6 ईयर मोलर मीन्स क्योंकि फर्स्ट मोलर जो होता है वो 6 ईयर के एज में इरप्ट होता है, जिससे फिर मिक्स डेंटिशन फेज स्टार्ट हो जाता है। ये जो सेकंड मोलर होता है वो 12 ईयर के एज में इसकी इरप्शन होती है। एंड जो विजडम टूथ है वो तो वेरिएबल है, उसमें वेरिएशन आ सकती है, बट मेजॉरिटी केसेस में 18 to 25 ईयर्स तक उसकी ये एक फेज, एक ड्यूरेशन है जिसमें ये इरप्ट होता है। सो ये थे हमारे पास परमानेंट टीथ और उसकी क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे पास इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आते हैं। अगर हम उसको डिसीडियस में डिस्कस कर ले तो डिसीडियस में हमारे पास इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइंस होते हैं एंड मोलर्स होते हैं। इंसाइजर्स दो होते हैं, कैनाइन एक होता है एंड मोलर्स भी दो होते हैं। तो टोटल 5 टीथ आर प्रेजेंट इन ईच क्वाड्रेंट इन डिसीडियस डेंटिशन। एंड ओरल आर्च में देख ले तो उसमें 10 होते हैं। अगर पूरी डेंटिशन की बात कर ले तो उसमें, या ओरल कैविटी में बात कर ले तो वो टोटल 20 नंबर होते हैं। उसमें प्रीमोलर्स प्रेजेंट नहीं होते और थर्ड मोलर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये था अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। अच्छा, अनदर टर्म यूज़ होता है एंटीरियर टीथ एंड पोस्टीरियर टीथ। अगर आप इस साइड को देख ले, अगर मैं इस टीथ को देख लूँ, तो एंटीरियर टीथ हमारे पास वो टीथ होते हैं जो बिल्कुल लिप्स की तरफ होते हैं। इसमें एंटीरियर टीथ में हमारे पास आ जाते हैं सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर एंड कैनाइन फ्रॉम बोथ क्वाड्रेंट्स। जो सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर एंड कैनाइन इस क्वाड्रेंट की भी और इस क्वाड्रेंट की भी, ये हमारे पास आ जाते हैं एंटीरियर टीथ में। एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स जितनी भी ये अदर टीथ है जो कि मेस्टिकेशन में काम आते हैं या जो यूज़ होते हैं मेस्टिकेशन में, जिसकी जिस पे आप ग्राइंडिंग करते हैं, तो ये आ जाते हैं पोस्टीरियर टीथ में। इस तरह हमारे पास एंटीरियर टीथ जिसमें सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर एंड कैनाइन फ्रॉम ईच क्वाड्रेंट, एंड जो अदर टीथ है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये हमारे पास पोस्टीरियर टीथ में आते हैं। सो थैंक यू डियर व्यूअर्स, ये था एक छोटा सा सेशन अबाउट द बेसिक्स ऑफ टूथ मॉर्फोलॉजी। हम आगे इसको और भी कंटिन्यू करेंगे इन सबसीक्वेंट सेशन इंशाल्लाह, और जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज या बेसिक्स यूज़ होते हैं मॉर्फोलॉजी के रिलेटेड, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।